गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। तो ये व्लॉग जो है सीधा शाम को शुरुआत हो रही है और आज सुबह सुबह देख रहे हैं छोटे से बच्चे को अपने नानी हाउस जाते हुए। बाबू की दो चोटी हो चुकी है बिल्ली की तरह। गुल्लू बैग रह गया। गुल्लू बैग आपका, बैग लो, हाँ टांगो, ले जाओ। आज जा रही है, है? यहाँ से नहीं बेटा, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ले, दीदी को दे दो। चल दूध की बॉटल आ रही है मम्मी, है खुद लेके जाएगी। खुद कैसे जाएगी, कैसे चली जाएगी वो छोटी सी बच्ची? ले जा रही है ना आराम से। क्या ये भी डाल दो इसकी दूध की बॉटल। लो मेरे बाल देख कैसे, अंदर खोल के डाल, खोल के। मैं पकड़ रही हूँ, चल ये नौटंकी, चलो ढंग से टांग बैग, चलो निकलो दोनों उधर से भी टांग। अरे नहीं गिरेगा, चलो ढंग से लेके जाइयो गुल्लू को। अब वहां पे पहुंच के मुझे कॉल कर दियो गुल्लू कि दीदी ने मुझे ढंग से छोड़ दिया। गुल्लू के पास तो इतना बड़ा फोन, गुल्लू के पास दो दो मोबाइल है। देख कैसे आराम आराम से चल रही है। और नानी को कहते ना हैंड वॉश करा देंगी, अपने आप करा देगी वैसे तो नानी। बाय गुल्लू, बाय गुल्लू, बाय ए बाय। नानी के घर जाते हुए इसको गुल्लू बाय बाय। देख नानी के घर जाते हुए इसको कुछ नहीं याद आता। वो गाय, शाम का टाइम है, रात का टाइम है और डिनर में आज बना है बर्गर। और ये सिर्फ मैंने यहाँ पे टोस्ट किए हैं और इसके अलावा ये जो टिक्की है ये बाज़ार की है, मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। ये है सॉस जिसके अंदर मैंने रेड चटनी, टैमरिन चटनी और मैंने इसके अंदर डाली है मेयोनीज़ और इसके अंदर मैंने ऊपर से डाली है थोड़ी सी काली मिर्च। सैलेड में मैंने काटी है टमाटर, खीरा और गाजर और ये रही। तो चलिए बना के दिखाते हैं आपको वेज बर्गर। बर्गर बन रहा है वेज बर्गर और इसके ऊपर मैंने ये लिया है, इसके ऊपर मैंने लगाई है ये सॉस। सॉस लगाने के बाद हम लगाएंगे इसके अंदर खीरा। आप चाहो तो प्याज भी लगा सकते हो बट आजकल मैं प्याज नहीं खा रही हूँ तो इसीलिए यहाँ पे लगाया मैंने दो टमाटर। और ये जैसे दो बर्गर हैं तो यहाँ पे मैंने लगाई दो टिक्की इसके अंदर। और फिर ये है इसका ऊपर वाला पार्ट, इसके ऊपर मेरी टिक्की जो है वो नीचे स्लिप हो गई। उसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पर दोबारा से चटनी। और इसमें मैंने ऊपर से फिर लगाया है एक खीरा और एक टमाटर का पीस। एंड सी दिस इज माय बर्गर, माय बर्गर इज रेडी टू ईट। जॉनी जॉनी पापा ईटिंग शुगर, टेलिंग अ लाई, ओपन योर माउथ, क्लैपिंग करो, ये हाई फाइव, हाई फाइव, ये मुआ। और रिंगा रिंगा रोज़ेस पॉकेट फुल ऑफ रोज़, आ गया हो हाईशा हाईशा ऑल फॉर। ज्यादा ही डाउन हो गई, डाउन टू अर्थ। दिखा लग गई उसकी सर, दिखा कहाँ लगी है बच्चा, कुछ नहीं हुआ, आजा। चलो 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 चलो, जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग अ लाई, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ये हाई फाई। सो गाइस, रात के बजे 2:30 और बड़ी मुश्किल से मैडम जो है वो अभी सोई है
और इतना परेशान करके सोई है, इतना परेशान करके सोई है। सोचो पूछो ही मत। और बंसल जी आ चुके हैं, बाहर बैठे हुए हैं। बंसल जी और मेरी अभी चल रही है 2 दिन से लड़ाई, ज़बरदस्त आपको दिखा देती हूँ। इधर हो गए बंसल जी और मेरी 2 दिन से लड़ाई। हमारी बातचीत जो है वो बिल्कुल बंद है, सिर्फ हम एक दूसरे को ब्लॉग में दिखा रहे हैं। और फिर देखो बंसल जी मुझे कह रहे हैं कि ये डोले जो है तेरे ज़्यादा और मेरे कम है। करना ज़रा अपने, तुम्हारे ज़्यादा है, इंची टेप से नाप लो। तुम रात को ये जो आजकल 12-1 बजे घर पे आ रहे हो, ये कोई तरीके हैं घर पे आने के? मैं सवेरे 4 बजे आता हूँ, तो मैं जल्दी आ गया आज। हाँ, कहाँ घूमते रहते हो? ऐसी आवारा गर्दी। किसके साथ? ऐसी रोड पे। नहीं, रोड पे किसके साथ आवारा गर्दी करते हो? मुझे लोगों के साथ हैं। तुम्हारी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ज़्यादा नहीं बढ़ रहे? बढ़ाना चाहिए हैं, दोस्ती तो जितनी बढ़ाओ उतनी कम है। सही है भैया, इनके भी किससे कहानियाँ, ये जाने आप। सो हाय गाइस, राइट नाउ आई एम शूटिंग। सुबह 4 बजे गुल्लू सो रही है, उसके पापा सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा गोपाल जी का सामान और दिखा दूं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते रहते हैं कि दीदी आप फिर गोपाल जी का सामान ढंग से नहीं दिखाते। तो मैंने सोचा कि कुछ कुछ सामान मैं आपको और दिखा देती हूँ फटाफट से गोपाल जी का। भाई सबसे पहले देखिए ये ई रिक्शा गोपाल जी के लिए, यहाँ पे पीछे जैसे हम अपनी ई रिक्शा देखते हैं वैसी ही ई रिक्शा है ये गोपाल जी की। इसमें बैठ भी सकते हैं, यहाँ पे अंदर को छोटे वाले गोपाल जी इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। और ये देखिए ये बाकायदा ई रिक्शा चलती भी है, और ये पूरी जो है ये लकड़ी से बनी हुई है, और इस पर लकड़ी से नक्काशी हो रखी है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी ये है रिक्शा, जो नॉर्मल हमारी रिक्शा होती है पुराने ज़माने में होती थी, अभी तो ये ज़्यादा चलने लग गई है, तो उस तरीके की रिक्शा भी है ये। आप एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कान्हा जी बैठ भी जाते हैं। तो ये देखिए ये रिक्शा चलती भी है, ये देखिए। ओके नाउ थर्ड वन इज़ ये है कान्हा जी का ट्रक, इस पर भी सुंदर बाहर आगे पीछे सब नक्काशी हो रखी है। और ये ट्रक भी जो है ये देखिए चलता है, और देखिए कितना सुंदर ट्रक है ये भी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये लकड़ी से बनी हुई हैं। ओके नेक्स्ट जो है ये एनिमल का सेट है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के 5 तरीके के एनिमल है। ये आपको पूरा सेट जो है ये 150 रुपीज़ का मिलता है, इससे बड़ा जो है वो 180 का है, और ये फाइबर में है, ये टूटता नहीं है। इसके बाद आपको ये मिलता है श्री राधा रानी, ये पूरा इनका सेट है। आई थिंक ये 10 का सेट है 6-8 का सेट है। और आपको ये भी मिलता है इसमें अलग अलग, जैसे उनके तान वगैरह के लिए गाना वाना जो गाती है अलग अलग म्यूजिशियन, उस तरीके की है का सेट है। ये लकड़ी का है, और पीछे इसके अंदर आपको ये स्टैंड दे रखा है। नेक्स्ट है ये वाला सेट, आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है कृष्ण जी की रासलीला का सेट, इसके अंदर कृष्ण जी हैं, पीछे रासलीला हो रही है, ये देखिए राधा रानी, यार ये देखिए अलग अलग म्यूजिशियन। ये आपको 2 साइज़ में मिल जाएगा दिस वन, और एक साइज़ आपको मिल जाएगा ये छोटा। इसका प्राइस आप मेरे से पूछ लेना, मेरे को ध्यान नहीं है, ये आपको मैंने बड़ा साइज़ दिखाई दिया है। और इसके अलावा ये है गोपा गोपी सेट, ये देखिए इसमें भी ऐसे ही है, बस वो वाइट कलर का है, ये कलरफुल है। इसके अलावा ये मिल जाएगा आपको भगवान जी का लकड़ी का बना हुआ, ये भी इसमें पीछे जो है प्लास्टिक का स्टैंड दे रखा है, क्योंकि वो टूट जाते हैं, वैसे वो चिपक भी जाते हैं अगर आपके पास कभी आए और, तो ये चिपक भी जाते हैं। इसके अलावा ये आपको लकड़ी की मटकी मिल जाती है, ये भी आप एज अ मक्खन वक्खन या किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो,
नीचे पॉलिथीन लगाई और उसके ऊपर मक्खन डाल दिया। बहुत ही अच्छी है, अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे, आपको नंबर मेरा नीचे शो हो रहा होगा। और ये है एक स्टैंड मेरे हिसाब से कान्हा जी का, ये जो पंखा नहीं होता इसको मैं भूल गई इसका क्या नाम था, पेंसिल जी मुझे बता तो रहे थे, ये उस पे रखने के लिए है, अभी पन्नी लगी हुई है तो ये पंखे पे रखने के लिए, मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, वेट कि ये पंखा रखने के लिए ये स्टैंड दे रखा है, ऐसे आ जाता है। इसके अलावा ये भी सेट है, कुमदास जी, सूरदास जी वगैरह इनका सेट है। ये देखिए, ये है तबला सेट और बहुत ही सुंदर तबला सेट है, ये देखो बहुत ही सुंदर और इतनी सुंदर लकड़ी से बना हुआ है, इतना फाइन है ये। ये देखो जैसे आपको रियल तबला मिलता है ना उसी तरीके का है, ऐसे ये तबला है और इसके अंदर ये ऐसे ही ढोलक आ रखी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये तो बोर्ड का है, ये लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है। इसके अलावा गर्मियों का टाइम है, कान्हा जी के पीने के लिए ये है जल पीने के लिए, मतलब यहाँ पे इसके अंदर पानी रखते हैं, झर्री बोलते हैं इसको, वो है। इसके अलावा आप ये ओखली भी ले सकते हैं, ओखली भी आपको दो साइज़ में अवेलेबल हो जाएगी, ये छोटी है, एक आपको बड़ी भी मिल जाएगी। तो गाइस आपको नंबर नीचे शो रहा होगा, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप करिए और मैं आपको सारी चीज़ें जो है वहाँ पर बता दूँगी। लास्ट में जाते जाते आपको ये झूला दिखा दूँ, ये देखिए इसमें भी आराम से 6 नंबर तक के कान्हा जी आराम से बैठ जाते हैं। तो गाइस जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरी नई ऑडियंस जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नीचे आ रहा होगा बंसल फैमिली, और ऊपर जो है बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको मेरी डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे दोपहर को 1 बजे।